अस्सलाम वालेकुम जी, वेखो पंजाब चैनल ते जिया नूं जिउंदे वास्ते रहो। मैं सज्जाद जट एक नवी वीडियो दे नाल तुहाडे रूबरू पेश हाँ जी। सुणियो, अज असी गल करांगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दे उस पहले डायरैक्टर दी जिन्हें पाकिस्तान दी पहली फिल्म डायरैक्ट की थी, जिहदा नां सी तेरी याद 1948 विच। अज असी उस हदायतकार की पूरी कहानी तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं कि किस तरह वह हदायतकार बनिया, किस तरह वफात हुई ते किहड़ियां किहड़ियां फिल्मां उहने बनाईआं, की अरूज आया तो किवें जवाल उत्ते आया। लो फिर चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक करो। आओ फिर प्रॉपर जिहड़ी इहना उस हदायतकार जिन्हां दा नाम सी दाऊद चांद साहब, उन्हां दी गलबात तुहाडे नाल शेयर करिए। दाऊद चांद साहब जी इंडिया की रियासत गुजरात के इलाके काठियावाड़ 1907 विच जम्मे सन। तो ये थोड़े जे तां होए तो इन्हां नूं शौक पै गया अदाकारी का, लिहाजा उन्होंने बंबई तो कलकत्ता दी फिल्मी जिहड़े मराकज ने उत्थे गेड़े मारने शुरू कर दिते। लिहाजा जदों पता तुहानूं पता किसे काम दे पिछे लग जांदा है ना, ये शौक बड़ी ऐसी नामराद शायब है कि बंदे नूं जे मार दिंदी है बंदा पिछे नहीं हटदा। लिहाजा उन्होंने फिल्मों में अदाकारी छोटे मोटे एक्सट्रा रोल जड़े ने उन्होंने मिलने शुरू हो गए। लिहाजा लेकिन अगे चल के ना ये अदाकारी कामयाब ना होए, फिर उन्होंने की किया कि यह लाइन छड़ के ये डायरेक्शन वाले पास आ गए तो डायरैक्टर के असिस्टेंट बन गए अगे। तो वेला गुजरता रहा, यह सन 30 की दहाई है सोनियो, तो जदों इन्होंने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में कोई अद्धी दर्जन फिल्मा जड़िया ने बतौर डायरैक्टर बनाईया, तो फिर पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। लेकिन जड़िया इंडिया फिल्मा बनाईया ने उन्होंने पहले तो अहवाल थोड़े न शेयर करिए, फिर पाकिस्तान वाले पास आने। दाऊद चांद होर की 1939 की एक फिल्म है जी सस्सी पुन्नू, बड़ी आउटस्टैंडिंग फिल्म है जिदे विच हीरवन का रोल किया इकबाल बेगम उर्फ बालो होर ने, तो ये अपना उन्होंने जो शौहर ने ना मुहम्मद अली माइया उन्हें भी काम किया। ये दोनों अदाकार जड़े ने पाकिस्तान की नामवर हीरवन सबीहा खानम होर के वालदैन सन। तो ये सस्सी का जो बचपन का रोल है ना, इकबाल बेगम के बचपन का रोल, वो जी मैडम नूरजहां होर किया। तो ये मैडम नूरजहां दियां दो होर भैन जिन्हां विचों ईदन बाई तो दूसरिया सन हैदर बाई, इन्हां भी काम किया। फिर दाऊद चांद होर की एक 1946 की फिल्म उहदा जिक्र ना करिए तो फिर ये भी गल चंगी नहीं। उहदा नाम है जी अपना पराए बस में, बड़ी ही आउटस्टैंडिंग फिल्म है वह भी जिहड़ी इन्होंने बनाई, जिहदी हीरोइन आशा भोसले साहिबा ते जिहड़े हीरो सन वह इंडिया की फिल्मों के जिहड़े अगे चल के विलन आए प्राण साहब वह हीरो सन। बाकी अदाकारा में जो नज़र, फिर गुलाम कादर, फिर जहूर शाह होर ने अदाकारी की। फिर दाऊद चांद होर जी एक फिल्म बनाई आरसी, वो स्टार्ट तो हुई लाहौर दे फिल्म स्टूडियो में, लेकिन जिदा एदा एंड जाके मुकम्मल हुई वो बंबई स्टूडियो में जाके हुई, जिहड़ी पाकिस्तान बनन तो बाद फिर जिहड़ा ना एक 47 तो बाद इंडिया की फिल्म समझ के पाकिस्तानी सिनेमे च लगी, जिहदे मरकजी किरदार उन्होंने निभाए जी अपना मीना शोरी ने ते अल नासर होरा। फिर दाऊद चांद होरां दी फिल्म आ गई जी पपीहारे, जिहड़ी के बहुत घट दिनों च मुकम्मल हुई, सिर्फ 22 दिनों में। ये 1947 तो पाकिस्तान बनन तो पहले जिहड़ी इहना फिल्म बन गई सी, लेकिन जदों 47 दे रौले पै गए, गदर पै गया तो फिल्म जिहड़ी रुक गई। लिहाजा 47 तो बाद विच जिहड़ा ना एक भारतीय फिल्म समझ के पाकिस्तान सिनेमे च लगी है भी 1948 रिलीज़ हुई सी, जिहदे विच मरकजी किरदार किते अमरनाथ अख्तरी बेगम ने, बाकी अदाकारा में आशा भोसले, अजमल साहब ते जहूर शाह होर काम किया। तो 1947 पाकिस्तान बनने तो पहले ही उन्होंने अपना बंबई फिल्म स्टूडियो में दाऊद चांद होर फिल्म बनाई जी एक रोज़, जिहड़ी कि मुकम्मल तो हो गई छेती अगो पाकिस्तान बन गया। फिर लिहाजा ये भी 1959 जाके इंडिया की फिल्म समझ के पाकिस्तानी सिनेमे च लगी। मज़े की गल है कि फिल्म की हीरोइन जी उन्हों का नसरीन सी, जिहड़ी कि बरेसकीर की पहली पंजाबी फिल्म हीर रांझा जी 1932 लगी सी, जिहदी हीरोइन हीरो सन अपना रफीक गजनवी साहब ते हीरोइन अनवरी बेगम, ये उन्हों की धी सी जिहड़ी कि सन 1980 की दहाई की मशहूर गुलूकारा ते अदाकारा सलमा आगा जिहड़े ने ये उन्हों की माँ सी। ते एक रोज़ फिल्म की जिहड़ी हीरोइन आशा भोसले ते हीरो अल नासिर, अजमल साहब तो एम इस्माइल साहब ने काम किया, शानदार फिल्म है भी। फिर 1947 जो पाकिस्तान बन गया तो दाऊद चांद साहब कलकत्ता बंबई फिल्म इंडस्ट्री छड़ के ते लाहौर इंडस्ट्री मुंतकिल हो गए, लिहाजा इन्होंने पाकिस्तान जी पहली फिल्म डायरैक्ट की ते लगी जिदा नाँ सी जी तेरी याद 1948।
इस फिल्म तेरी याद के प्रोड्यूसर दीवान सरदारी लाल सन, इन्होंने जोड़ा काम किया अदाकारा ने आशा भोसले, फिर नासर खान, रानी किरण, फिर जहांगीर खान, फिर नजमा, शोला, नज़र, फिर सरदार मुहम्मद ते गुलाम कादर साहब ने। यह फिल्म तेरी याद 7 अगस्त 1948 में पाकिस्तानी सिनेमे रिलीज़ हुई थी। ये ईद उल निक्की ईद ते ते दाऊद चांद हुरां दी सब तो मज़ेदार गल ए वे कि जिमें उन्होंने इंडिया 1949 सस्सी पुन्नू फिल्म बनाई सी ना, इकबाल बेगम उर्फ बालो ते मुहम्मद अली माइया नू लैके, इस तरह 15 साल बाद पाकिस्तान में आके 1954 उन्होंने फिल्म बनाई जी सस्सी। उहदे विच इकबाल बेगम उर्फ बालो, मुहम्मद अली उर्फ माइया उन्होंने धी नू हीरवन लिया सबीहा खानम साहिबा नू जदों 17-18 साल दियां सन। ते अदाकार सुधीर ने इहदे विच पुन्नू दा रोल कीता। ये पाकिस्तान की पहली गोल्डन जूबली फिल्म सी। ये सुधीर की पहली फिल्म सी। इहदे नाल सुधीर ने जोड़ी बनी नजमा दी, ते नजमा ने अगे चल के बारी स्टूडियो के मालिक बारी मलक नाल विआह कर लिया ते फिल्म इंडस्ट्री छड्ड दित्ती सी। ते दाऊद चांद हुरां दी जिहड़ी पहली पंजाबी फिल्म है पाकिस्तानी, उहदा नाम जी मुंदरी, जिहड़ी 1959 विच लगी। ते इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्मसाज आगा जीए गुल, ते इह उहनां दी वी पहली फिल्म सी। ते 1940 की मशहूर उस जमाने की टॉप क्लास हीरोइन रागनी इंडिया की, वो भी पाकिस्तान आ गई, तो पाकिस्तान च उन्हां दी पहली फिल्म सी। ते सन 1930-40 के इंडिया के मशहूर कॉमेडी एक्टर नूर मुहम्मद चार्ली, वह भी पाकिस्तान आए, तो उन्हां दी भी आ पहली फिल्म सी। इहदे विच हीरो का रोल किया लियास कश्मीरी साहब ने। तो हैरत की गल है कि दाऊद चांद होरां दीआं किन्नियां फिल्मां जिहड़ियां ने फलॉप हो गई। फलॉप होईआं 4 सालों च उन्हां 7 फिल्मां बनाईआं, लेकिन अगले कई सालों तक उन्होंने काम नहीं मिलिया, फिल्म कोई नहीं मिली, क्योंकि फिल्मा हेठ उत्ते 2-3 फिल्मा इन्हां दीआं फलॉप हो गई सन। फिर जो 1954 च इन्होंने सस्सी बनाई तो वह गोल्डन जूबली रही, उतों फिर इन्हों अगे काम मिलना फिर शुरू हो गया। तो 1956 च इन्होंने मिर्जा साहबा डायरैक्ट की अपना सुधीर नू लैके, तो नाल सन हीरवन मसरत नज़ीर। फिर 1956 च सबीहा ते हैदर सबीहा खानम ते नाल सुधीर नू लैके इन्हां हातम बनाई, वह भी फिल्म चंगी रही। फिर 1957 च इन्होंने पहली फिल्म जिहड़ी है ना बतौर प्रोड्यूसर बनाई मुराद, यासमीन ते कमाल साहब ते लियास कश्मीरी साहब नू टाइटल रोल विच लिया। ते दाऊद चांद हुरां दी ये आखिरी कामयाब फिल्म सी। 1968 नू इन्हां फिल्म डायरैक्ट की थी आलम अरा नाकाम हो गई। 61 नू सपेरन बनाई नाकाम हो गई। 63 विच गजाला बनाई नाकाम हो गई। 64 विच खैबर पास बनाई नाकाम हो गई। फिर 1970 विच रेशमा बनाई फलॉप हो गई। फिर 73 विच इन्हां ने बहादरा बनाई फलॉप हो गई। फिर 1975 विच दाऊद चांद होरां फिल्म बनाई भुलेखा, वह भी नाकाम हो गई। ये पै दर पे फिल्मां सारियां फलॉप हुंदियां गईयां, ते दाऊद चांद जिहड़े ना वह परेशान रहन लग पे, इन्ने ज़्यादा परेशान रहन लग पे कि बीमार हो गए। फिर 22 मई 1975 नूं इस दुनिया नूं छड्ड के ते रब कोल तुर गए। अल्लाह पाक उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए जी। अल्लाह पाक उन्हां ते अपनियां रहमतां करे। कमियां कुताइयां अल्लाह दी ज़ात माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक रहमतां फरमाए। ये जी पाकिस्तान दे पहले जिहड़े पहली फिल्म दे पहले डायरैक्टर, उन्हां दी गलबात तुहाडे नाल शेयर कीती है। ये खराजे तहसीन पेश कीता उन्हां नूं, ठीक है। अल्लाह पाक उन्हां ते रहमतां करे ते तुहाडे सब ते भी रहमतां करे। उम्मीद है तुहानूं वीडियो पसंद आई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। किसी होर वीडियो च मुलाकात हुंदी है। अल्लाह बेली।